भरूच जिला कांग्रेस की महत्वनी बैठक राजस्थान ना मंत्री और भरूच जिला ना ऑब्जर्वर गोविंदराम मेघवाल की अध्यक्षता में मिली हती। गुजरात विधानसभा चूंटणी ने आड़े हवे गणतरी ना महीनाओ बाकी छे त्यारे दरेक राजकीय पार्टी चूंटणी में जीत मेळववा एडी चोटी नू जोर लगावी रही छे, जेमा गुजरात में 20 वर्ष थी सत्ता थी बहार रहेली कांग्रेस नी स्थिति एक सांधो त्यां टेर तूटे जेवी छे। एक बाद एक कांग्रेस ना वरिष्ठ नेताओ पार्टी माथी छेड़ो फाड़ी रह्या छे। भरूच जिल्ला नी वात करिए तो हजू थोड़ा दिवस अगाउ वागरा ना कांग्रेस किसान मोर्चा ना याकूब गुरुजी राजीनामु आपी आपनो दामन पकड्यू छे, त्यारे शहर माथी पण कांग्रेस ना भरूच शहर प्रमुख विक्की सोखी, राधे पटेल, निकुल मिस्त्री सहित ना कार्यकरोए कांग्रेस माथी राजीनामु आपी दीधु छे। त्यारे आ स्थिति वच्चे पण चूंटणी में जीत नो लक्ष्यांक हासिल करवा पर मंथन करवा जिला कांग्रेस समिति द्वारा राजस्थान सरकार ना मंत्री अने लोकसभा ना गोविंदराम मेघवाल नी उपस्थिति में विधानसभा नी चूंटणी ने लई एक अगत्यनी बैठक राजपूत छात्रालय खाते मळी हती, जेमां आगामी विधानसभा नी चूंटणी में कांग्रेस पक्ष ने बहुमती थी जीताड़वा माटेनुं आह्वान करवामां आव्युं हतुं। वधुमां मंत्री गोविंदराम मेघवाले भाजप पर आक्षेप करता जणाव्युं हतुं के भाजप सरकारना राजमां दरेक वस्तुना भावमां धरखम वधारो थई रह्यो छे अने जीएसटीना कारणे पण मोंघवारीनो मार प्रजाने झेलवो पड़ी रह्यो छे। रोजगारीनी वात करनार सरकार लोकोने रोजगारी आपवामां पण निष्फळ निवडी छे, ज्यारे आगामी विधानसभानी चूंटणीमां कांग्रेसना कार्यकरो जनजन सुधी पहोंची मतदारोने रीझवामां सफळ थशे अने चूंटणीमां कांग्रेसनो विजय थशे तेवो दावो कर्यो हतो अने साथे जणाव्युं हतुं के आम आदमी पार्टी ने खास महत्व आपवुं जोईए नहीं, कारण के गुजरात में मात्र बे ज पार्टी वच्चे खराखरीनो जंग होय छे, जेमां आम आदमी पार्टीनो कोईपण जग्याए स्थान नथी। आ बैठक में भरूच जिला कांग्रेस प्रमुख परिमलसिंह राणा, जंबूसरना धारासभ्य संजयभाई सोलंकी, यूथ कांग्रेसना प्रमुख शकील अकुजी, शेरखान पठाण, हरीश परमार, वागरा मत विस्तारना अग्रणी सुलेमान पटेल सहित होद्देदारो अने कार्यकरो उपस्थित रह्या हता। अगर कोई जनता प्रतिनिधि चाहे पंचायत समिति मेंबर हो चाहे जिला परिषद का हो जिसको आप प्रमुख कहते हैं और फिर विधायक अगर पैसे में बिके चले जाए तो आप सोचो वो फिर सारी जनता को बेच रहे हैं, वो विधायक के लायक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये वो पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लोहा लेकर के और यहां से अंग्रेजों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस पार्टी के सिपाही, मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूं कि आजादी से पहले हमारा देश विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था। 1680 के अंदर अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, उन्होंने व्यापार करने के लिए आए थे वो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के लोग विभिन्न जातियों में बंटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं, हमारे उन्होंने फूट का फायदा उठाया और ईस्ट इंडिया रहते हुए व्यापार करते करते धीरे 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 सारे देश में वो लोग काबिज हो गए। लेकिन उस वक्त हमारे यहां शिक्षा का अभाव था, हमारे यहां सड़कें नहीं थी, हमारे यहां स्कूलें नहीं थी, हमारे यहां महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन आज मैं याद करना चाहता हूं सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की पत्नी, ज्योतिबा फुले भी जाप के माली थे, उन्होंने 1848 में सबसे पहले पुणे में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया। सावित्रीबाई परसों ही अखबार में छपा है कि भारत के अंदर सबसे पहले महिलाओं के लिए अगर स्कूल खोली वो सावित्रीबाई ने खोली, पुणे में खोली। वो जब स्कूल में पढ़ाने जाती एक साड़ी साथ में ले जाती थी क्योंकि धर्म के ठेकेदार उसके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि महिलाओं को बिगाड़ देगी, दलित पढ़ने के लिए स्कूल में बुला रहे हैं, इसलिए उसकी साड़ी कीचड़ से भर जाती थी। वो स्कूल में जाकर के कीचड़ से वो दूसरी साड़ी बदलने का काम करती थी। संविधान लिखने का काम किया तो वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने किया, दलित वो जाति से अछूत थे। आप विदेश में जाओ आपको जाति नहीं मिलेगी, ऊंच नीच की भावना नहीं मिलेगी। अगर इस देश में कोई अछूत पैदा होता है तो इस देश के अंदर होता है, पैदा होते ही अछूत।
हमें लोगों को ऐसा बांट रखा था। मैं आज याद करना चाहता हूं महात्मा गांधी को, जिन्होंने 1915 से पहले दक्षिणी अफ्रीका में आंदोलन चलाया, वो बैरिस्टर की डिग्री ली। मैं आज याद करना चाहता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने भी वो बैरिस्टर हुए। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन खड़ा किया आजादी का, तो उन्होंने भी पटेल जी को प्रोत्साहित करके साथ लिया। उनको पढ़े लिखों की जरूरत थी, वो जातिवाद के विरुद्ध में थे, वो नहीं चाहते थे हम ऊंच नीच के भाव पर हमारे देश में राजनीति करते रहे, देश हमारा गुलाम था। जब महात्मा गांधी ने, याद करो, 1942 में आंदोलन चलाया, डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज मैं याद करना चाहता हूं, वो भी गुजरात में पैदा हुए, इसमें इस धरती को नमन करता हूं जहां महात्मा गांधी पैदा हुए, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, जिनकी आज आदमकद मूर्ति लगाई। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम आजादी का इतिहास देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नाखून तक नहीं कटवाया, नाखून तक। तो आज वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी ही भारत को आजाद कराने वाली थी। और मुझे दुख इस बात का है साथियों कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जैसे लोग हंसते हंसते बलिदान हो गए, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे। अभी जब पंजाब का चुनाव हुआ तो मैं जेतो में था, जेतो एक विधानसभा का नाम है, वहां मैं गया। आज भी नेहरू जी का इतिहास पढ़ा है, वहां गिरफ्तारी हुई, 2 साल की सजा हुई अंग्रेजों ने की थी। उन लोगों का आज इतिहास मिटाने की साजिश की जा रही है पूरे देश में। 2014 से पहले, याद करो, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2 करोड़ को प्रतिवर्ष रोजगार, 15 लाख रुपए खाते में तो यूं ही आ जाएंगे। अब जैसे ही मोदी जी आए, सब लोग खाते संभालने लगे, सारे देखने लगे डायरिया के कब आ रहे पैसे। और जब अमित शाह जी से पूछा कि अमित शाह जी वो पैसे कब आएंगे एक पत्रकार ने, तो कहा कि वो तो जुमला था, वो तो मजाक थी यार, आपने गंभीर ले लिया इसका। आज अच्छे दिन की हालत ये हो गई, लोग तो कहते हैं वो पहले वाले हमारे बुरे दिन वापस ला दो।